हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के 3D इफेक्ट वाले स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो जिप फाइल का यूज हो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्रेंड्स वो लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा क्या पासवर्ड होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आप आसानी से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह की एडिटिंग के लिए आपको यूज करना है नोट वीडियो एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नोट वीडियो एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है प्ले स्टोर वाला भी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें पासवर्ड क्यों लगाया, तो आपको पता है मैंने 100 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और फ्रेंड्स किसी भी वीडियो का 1000 से ज़्यादा व्यूज नहीं गया है। तो इतने वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, व्यूज नहीं आता है। कारण ये है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, जब वीडियो आप देखते नहीं हो तो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, और उसका जो CO है वो कम हो जाता है और वीडियो वायरल नहीं होती है। तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी इजी स्टेप में मैं एडिटिंग आपको बताता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट में कंप्लीट करके आपको देता हूँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग उसमें लगा कर देता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देखते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ ऊपर एरो का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। नीचे दो ठो पॉपअप आएगा, इसमें फर्स्ट वाला पॉपअप लोड प्रोजेक्ट जिप का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3D ट्यूटोरियल करके मैंने इसका नाम दिया, तो इसे आप ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, जब इसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ये ऊपर में सबसे फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब इस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑडियो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, प्लस का जो आइकन देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर फिर से वापस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है, या फिर आपका ऑडियो जिस भी फाइल में होगा उस फाइल में जाकर आपको ऑडियो ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एडिटिंग सरस्वती पूजा पे है, तो आपको सरस्वती पूजा स्पेशल स्टेटस सॉन्ग आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पर मिल जाते हैं, या फिर कोई भी सॉन्ग जो आपको पसंद हो आपको उसे ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो लगाया था, तो स्वर की देवी है, तो ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने इसी को यूज़ किया था। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके स्टेटस में जो लगा हुआ है तो 30 सेकंड का ही है, बट मेरे पास ओरिजिनल सॉन्ग जो है 40 सेकंड का है, बट मैं इसे 30 सेकंड ही रखूंगा, क्योंकि जो नॉर्मली हमें स्टेटस बनाते हैं वो 30 सेकंड तक का ही बनाते हैं। तो अब इसे कट करना है, कट कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस एरो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर जो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ये सर्कल, इस पर आपको पॉइंटर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो सॉन्ग के लास्ट में, मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट का लास्ट हो रहा है, सॉन्ग जहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रिमर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, एक्स्ट्रा जो है जो कट जाएगा। अभी कटने के बाद इसे सेलेक्ट कीजिएगा, सेकंड नीचे में जो आता है उसे सेलेक्ट करना है, और ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा। तो सॉन्ग हमारा प्रोजेक्ट के बराबर हो गया, जितना टाइम का स्टेटस है बस उतना ही टाइम का हमारा सॉन्ग हो गया। अब इसे एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वापस चला जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अपना लोगो चेंज करना है, जो कि नीचे में आप लोगो देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे ऑडियो के जस्ट बगल में लोगो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स जो भी लोगो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक लोगो बनाकर रखा था, यूट्यूब फाइल है मेरा, उसी में मैं जो YouTube का प्रोजेक्ट होता है उसे रखे रहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ से मैं तब तक के लिए ये वाला लोगों को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसे लोगों को एडजस्ट करना है, तो ये टेक्स्ट में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट है। तो अगर उसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो इस पोजीशन की फर्स्ट वाली बटन की मदद से कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप इसे पोजीशन की सेकेंड वाली बटन की मदद से कर सकते हैं। अगर इसे जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप स्केल का जो फर्स्ट वाला बटन है उसकी मदद से इसे जूम भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, तो आप अपने देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मॉडल इमेज है इसे हम चेंज करेंगे। दोस्तों, मॉडल इमेज चेंज करने से पहले मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड होने वाला है 2224, मतलब 2244,
ठीक है, काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। आप सिंपली पासवर्ड डालिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिएगा, ओपन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी इस प्रकार जो मॉडल हम चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडल का जो ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में जो देख सकते हैं सरस्वती माता का जो इमेज मैंने यहाँ पर लगाया, बस इसी को हम चेंज करेंगे। अगर आपके पास कोई और इमेज हो तो चेंज कीजिएगा, नहीं तो इसे रहने दीजिए, काफ़ी अच्छा इमेज है, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया। अब थ्री लाइन पर क्लिक कर लीजिए, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो भी इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो मैं इसी इमेज को फिर से वापस ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे HD क्वालिटी में मैंने इस इमेज को दिया था, तो आप इसी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो भी इमेज होगा इसी तरह से आ जाएगा। अब थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है, अब इस इमेज को एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसका पोजीशन अगर आप लेफ्ट राइट करना चाहते हैं इमेज को, तो इस तरह से कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इतना पे ही रहने देता हूँ, ये काफ़ी अच्छी तरह से सही है। अब इसे ऊपर नीचे अगर आप करना चाहते हो पोजिशन की, सेकेंड वाली ऑप्शन जो है इसकी मदद से आप इसे ऊपर नीचे कर लीजिएगा, तो मैं इतना पे रहने देता हूँ। अगर आप इसे जूम करना चाहते हो तो स्केल की फर्स्ट वाली बटन की मदद से इसे कर सकते हैं, या जूम आउट करना चाहते हो तो इसी की मदद से आप कर सकते हैं। तो चलिए इतना पे हमारा एडिटिंग हो गया कम्प्लीट। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना, काफ़ी ईजी स्टेप में एडिटिंग कम्प्लीट है। अगर आप इसका जो लेंथ है उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक करके इमेज पे क्लिक करना होगा। जैसे इस टेम्पलेट पे क्लिक किए, एरो पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन 30 सेकेंड है, तो आप इसे चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके इसका टाइमिंग यहाँ से कम कर सकते हैं, बट मैं 30 सेकेंड ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट है, आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एडिटिंग कम्प्लीट हो गई, अब इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के नीचे ये एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसका जो रेजुलेशन है 720 मैंने रखा था, तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे 1080 कर दीजिएगा। 1080 करने के बाद FPS तो 60 काफ़ी अच्छी से तरह से है। अब यहाँ पे आपको क्वालिटी का जो ऑप्शन देख सकते हो, तो हाई है, इसे वेरी हाई कर लीजिएगा। अभी इसका क्वालिटी जो स्टेटस का होगा वो काफ़ी बेटर होगा, ये कहीं पे फटेगा नहीं। थोड़ा इसका जो MB है वो ज़्यादा आएगा, साइज जो इसका MB का वो ज़्यादा आएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने दे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजी स्टेप में ये वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।